दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और कॉर्पोरेट अकाउंट चल रही है इस समय केजी पब्लिकेशन से, और चैप्टर चल रहा है इस समय 12 वैल्यूएशन ऑफ शेयर, और उसका क्वेश्चन नंबर चलेगा 28। तो श्रुति पढ़े। कौन सा फॉरेन पर्टिकुलर ऑफ द कंपनी फाइंड आउट द 25,000 शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व और करंट लायबिलिटी में बिल पेबल संडी क्रेडिट्स क्रेडिटर। हाँ, और एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल टेंजिबल के अंदर बिल्डिंग मशीन इंटेंजिबल में गुडविल और करंट एसेट्स में करंट एसेट्स और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। हाँ, और नीचे कुछ वैल्यू दे रखी है, जैसे कि बिल्डिंग एंड मशीन आर वर्थ रुपीस 95,000 एंड 92,500 रेस्पेक्टिवली। डिविडेंड फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर आर 12%, 18%, 15%। मार्केट यार्ड ऑफ सिंबलिन टाइप्स ऑफ शेयर इज 12%। गुडविल इज वर्थ रुपीस 31,250, इग्नोर टैक्सेशन। ठीक है, तो गुडविल भी दे रखी है इसमें। ठीक है, और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये आपका मेथड जो है वो है फेयर वैल्यू मेथड। यहाँ नाम लिखा हुआ फेयर वैल्यू मेथड। बहुत ज़्यादा काम है, गुडविल निकालो फिर दोनों। नहीं, गुडविल तो मैं दे रखी है। हाँ, रिवैल्यूड फिगर दे रखी है, तो मैं इनको ये बता देता हूँ। इसके फॉर्मूले कहाँ हैं, कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे इसके अंदर, पेज नंबर। फेयर वैल्यू मेथड का फॉर्मूला एक तो आपका ये है कि फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर और मार्केट वैल्यू पर शेयर दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए। पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑन इफेक्टिव कैपिटल, और फिर करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला, ये दोनों यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 26 देख सकते हैं इसके लिए। तो सीधे से क्वेश्चन कराते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है? वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गुडविल के लिए तो 26 है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए देखना पड़ेगा अभी। ये 27-28 इसमें से कोई है, चल पास में करते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट। तो मैं देखना पड़ेगा 11th की बुक में, वहाँ सारे मिल जाएंगे एक साथ, क्योंकि सब एक मतलब जो पिछले साल आया था ना, पिछले साल से पिछले साल में दिया हुआ है सभी चैप्टरों के, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे हुए हैं। देखा था मैंने वैल्यूएशन ऑफ शेयर गुडविल जो मतलब चैप्टर है, एक इशू ऑफ शेयर का पूछा हुआ है। चलो अभी देखते हैं, पहले ऐसे कर दूँ मैं काम को वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। 28वां क्वेश्चन है ना, तो 28वें क्वेश्चन में पहले हमें निकालना पड़ेगा इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, क्योंकि दो वैल्यूएशन ऑफ शेयर के बारे में पूछ रहे हो। हां, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है इसके बारे में लिखा है, नहीं मना कर रखा है, लेकिन उसके लिए AS 26 जरूर है, गुडविल के लिए तो है। गुडविल के लिए तो पता है। हाँ, तो उसका नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज लगा देना। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देख लो बेटा। तो हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी कौन सी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो पहले लिखें कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, वैल्यू पर शेयर। इसके लिए हम निकालेंगे नेट एसेट्स, है ना, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स के लिए हम देखेंगे भाई हमारे पास एसेट्स कौन कौन सी दे रखी हैं, नॉन करंट एसेट्स है ना, उसमें भी लिखा हुआ है फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट, टेंजिबल में बिल्डिंग लिखी है, बिल्डिंग की रिवैल्यूड है क्या नीचे, 95, तो बिल्डिंग लिखेंगे हम यहाँ पे, बिल्डिंग है
95 है ना। फिर मशीनरी, मशीनरी कितनी है 2500 ये हो गया। ठीक है एक सेकंड चल रही, ठीक। इसके बाद हमारे मशीनरी हो गया था, बिल्डिंग मशीनरी, उसके बाद लिखा हुआ गुडविल। गुडविल की वैल्यू पहले तो 25 है लेकिन नीचे कितनी दे रखी है 31250। हाँ गुडविल की वैल्यू दे रखी है 31250, वो डाल दिए 31250। ये एसेट तीन हमारी खत्म हो गई। फिर आगे लिखा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स ये नाम सही है, करंट एसेट्स कितनी है इसमें 1,10,000। और तो कोई एसेट्स है नहीं, टोटल करो ग्रॉस रियल एसेट्स कितना बेटा था ना, ऐसे ही ठीक है। लेस करो आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी ठीक है। आउटसाइड लायबिलिटी में हमारे पास क्या क्या रखा है, बिल्स पेबल है, करंट क्रेडिटर है बस है ना। बिल्स पेबल कितने हैं 25,000 और क्रेडिटर कितने हैं 50,000। 75,000 लिख के माइनस कर दो, कितना 2,53,000 ये नेट एसेट्स। ये वही तरीका है जो हम अब तक स्टार्टिंग के क्वेश्चन में लगाते थे, वही तरीका है ना। नेट एसेट्स आने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे वैल्यू पर शेयर, पर शेयर नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर, 2,53,750 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, देखो उसमें बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे 25,000 है ना। कौन सा वाला वो सेकंड पार्ट होगा ना इसका, फर्स्ट पार्ट तो यही है। अच्छा दो आंसर को जोड़ के 2 से डिवाइड करना तो फेयर वैल्यू आएगी, यानी कि यील्ड मेथड और ये वाला मेथड दोनों मिला के ही करना है, 2 से डिवाइड करना है। देखो कितना आंसर आ रहा है 10.15। चलो यही आंसर इसमें भी दे रखा है बुक में 10.50, एक आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर निकालने के लिए हमें फॉर्मूले भी लगाने पड़ेंगे, तो अब फर्स्ट हो गया यहाँ पर नेट एसेट्स वाले से, दूसरा एवरेज डिविडेंड निकाल लेंगे। अब हम मार्केट वैल्यू नहीं, उसे भी हम हेडिंग देंगे, मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालेंगे सेकंड पॉइंट। कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू पर शेयर ठीक है। अब हमारे पे 3 साल का डिविडेंड दे रखा है, लास्ट 3 ईयर का, तो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड निकालो, तो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकलता है, 3 साल का दे रखा है, कौन कौन से परसेंट है 12 + 18 + 15 / 3 तो 30, 45, 45, 15 आ जाएगा ना। ये आ गई हमारी एवरेज रेट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके बाद शेयर कैपिटल पे इसको यूज करेंगे कि भाई हम बांट रहे हैं कितना 15% डिविडेंड बांट रहे हैं कैपिटल पे, तो प्रॉफिट ट्री तो एक हिस्सा बांटते हैं, तो हम वो लिखेंगे इसका जो नाम है वो एग्जाम्पल में से देख के डाल दो, एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट, एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट लिखा जाएगा इसका नाम ठीक है। और हमारी कैपिटल यहाँ थी कितनी, यहाँ थी 2,50,000 रुपये और 15% लिखना है, तो एवरेज ट्रेडिंग, और इससे पहले या इसके बाद अपना एग्जाम्पल 26 भी कर लेना है ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट जिसे प्रैक्टिस शीट है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का। तो अब देखो 2,50,000 रुपये की कैपिटल थी
और 15% सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा? थ्री सेवन फाइव डबल जीरो, ये आ गया हमारा प्रॉफिट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद जो काम होगा वही होगा, ठीक। अब हमें इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी होगी। इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड जैसी कंडीशन दे रखी है बैलेंस शीट की, उसी से निकलती है। अभी इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने ये कर दिया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमें करना होगा कैलकुलेशन ऑफ, ये मार्कर थोड़ा रेस्ट मांग रहा है, ठंड लग गई से। इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब बैलेंस शीट जैसे दे रखी है उसी का यूज करना है। बैलेंस शीट में बहुत सारी चीजें देखी है, एसेट्स में नॉन करंट, करंट एसेट्स है और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी है। अगर एग्जांपल देखोगे तो उन्होंने टोटल एसेट्स यहाँ से उठाई है जो उसमें दिख रही है। हम चाहे तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को अभी भी अलग कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कितना अमाउंट है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस था 2500, है ना, और टोटल एसेट्स है 3,37,500, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टोटल एसेट्स कितनी थी, 3,37,500, उसमें से माइनस कर दूँ 2500, किस बात के माइनस करूंगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के, तो कितने आ जाएंगे 3,35,000। अब तो ठीक है, ये चीज क्यों लिखा मैंने, टोटल एसेट्स इतनी दिखा रही है, इसमें से प्रीलिमिनरी माइनस कर दिया तो हमारी टोटल एसेट्स इतनी आ गई। लेस कर दूं जो लायबिलिटी लिखी हुई है, लायबिलिटी के नाम पे दो ही चीज मिल रही है, बिल पेबल, इसको लिख दो एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो पहले बिल पेबल लिख दूं बीपी और फिर क्रेडिटर लिख दूं, बीपी थे हमारे 25 और ये थे 50, टोटल कितना हुआ 75, माइनस करना भाई कितना आ रहा है, 2825 क्यों आ रहा है, 35 तो ये 2,60,000 आना चाहिए। देख लो कुछ चेक कर रहे हैं, 3,35,000 माइनस 75,000, 260, क्लियर है। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगला जो फॉर्मूला है रेट ऑफ अर्निंग का, लेकिन लाइन बहुत बड़ी यूज की गई है, तो वो लाइन क्या थी, वो लाइन हमें फॉर्मूले में से देख के लिखनी पड़ेगी। तो लाइन थी रेट ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। नंबर तीसरा पॉइंट हमने जो सॉल्व किया, शॉर्ट में लिख दो रेट ऑफ, चलो देखो रेट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, मेरा तो बोर्ड भी कम पड़ जाएगा ऐसा लग रहा है, कैपेसिटी अर्निंग कैपेसिटी ऑन इफेक्टिव कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल फॉर्मूला क्या है इसका, एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल। तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एवरेज ट्रेड, है बेटा पूछो, ये पीछे पीछे जहां पे लिखा था, यहाँ नहीं है ये लिखा था, पलटी पेज क्या लिखा, फ्यूचर मेंटेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, थोड़ा सा नाम चेंज करें, एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट जो यहाँ निकाला था, ट्रेडिंग प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन इफेक्टिव, एमसीक्यू में इतना बड़ा नहीं आएगा लेकिन कुछ छोटा सा पार्ट करना पड़ेगा, अब पता है थोड़ा बहुत क्या पूछ लेंगे, एक आंसर तो मैं निकाल के देंगे, दूसरा निकालना होगा फिर आपको टोटल करके तब करना पड़ेगा।
ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल थी हमारे पास कितनी, पहले तो ये एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट है 37,500 × 100, इफेक्टिव कैपिटल कितनी थी 260,000, जरा सॉल्व करना। 260,000 है ना, 260, ये जीरो तो मैं अलग अलग कर दूं, ठीक करना सॉल्व। 37,500 मल्टीप्लाई 14.42, ये तो परसेंट हो गई है ना। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर निकालने के लिए। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ अर्निंग, थोड़ा शॉर्ट करेंगे, रेट ऑफ अर्निंग जो हमने अभी निकाला था इनटू पेड अप वैल्यू अपॉन आएगा तुम्हारा रेट ऑफ, हाँ रेट ऑफ मार्केट यील्ड यानी नॉर्मल रेट ही बोल दो। कितना था नॉर्मल रेट? ठीक है, रेट ऑफ अर्निंग है 14.42 इंटू मार्केट, उसकी पेड अप वैल्यू कितनी थी बैलेंस शीट में तो 10 रुपये थी ना, 10 रुपये अपॉन नॉर्मल रेट कितना था, 12 था, कितना था 12, सॉल्व करना 12.01। अब देखो ये मार्केट हो जाएगा, क्यों क्या देखा आगे, हाँ 6 है, ठीक है तो यहाँ 6 लिखा है ना, मैं और करके लिखता हूँ 12.02, अब क्लियर हो गया ना 6 है इसलिए ऐसा क्या। अब इसका फॉर्मूला क्या, देखो अभी ये हमने एक प्राइस यहाँ निकाला, एक प्राइस यहाँ निकाला, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, अब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। अब फेयर वैल्यू मेथड का फेयर वैल्यू निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, फेयर वैल्यू ईच शेयर यानी पर शेयर लिख दो, पर शेयर क्या फॉर्मूला है इसका, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2। अब देखो इसका प्राइस क्या था, 10 रुपये 15 पैसे है ना, प्लस 12 रुपये 02 अपॉन 2, पहले से टोटल करो बताओ कितना आएगा, 22 रुपये 17 पैसे है ना, डिवाइड बाय 2 करो बेटा 11.085, तो 11.09 भी हो सकता है ना, इसमें 85 दे रखा है, नहीं दे तो रखा है, कोई अगर राउंड ऑफ करना चाहेगा तो 9 भी हो सकता है, ठीक है और कर देता हूँ बीच में, कोई दिक्कत तो नहीं, हम जाके वीडियो में देखते हैं कि दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा लोगों को, वरना आवाज के अनुसार ये लिख पाएंगे बच्चे। अब देखो MCQ में क्या पूछ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं इसमें है ना, जो हमने निकाला था कि भाई डिविडेंड रेट रखा और ट्रेडिंग प्रॉफिट पूछ ले, या फिर हो सकता है ये वाला आंसर गिवन हो कि हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू दे रखी है, ये कुछ जानकारी है, इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल के दे रखी हो, ये हमने सॉल्व की है ना वो निकाल के दे रखी हो, तो बताओ मार्केट वैल्यू क्या होगा। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए पहले इसका हम निकालेंगे परसेंटेज अर्निंग कैपेसिटी यानी कि जो प्रॉफिट है, और इसको इससे डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, ये आ गया हमारे पास मार्केट वैल्यू। इस शेयर निकालने के लिए जो परसेंट है उसकी मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू से करते हैं अपॉन नॉर्मल रेट से डिवाइड किया, मार्केट वैल्यू आ गया। अगर सर मार्केट पूछा है फेयर वैल्यू निकालो तो इंट्रिंसिक और मार्केट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा कर लो नोट ऑन। सर पेन मिलेगा? पेन मिल जाएगा, देखना पड़ेगा लेकिन।